गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है 17 जनवरी है, आज कोर्ट में भी सुनवाई है और आज लगातार क्रमिक अनशन भी जारी है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि आज से आमरण अनशन शुरू होने वाला था, लेकिन उसको कुछ कारणों की वजह से स्थगित करना पड़ा है। लेकिन अनशन चलता रहेगा, क्योंकि एक तो अनुमति नहीं मिली आमरण अनशन की अभी, और साथ ही ये भी कहा गया है विक्की खान के द्वारा कि अभी हम आमरण अनशन के लिए नई रणनीति फिर से तैयार करेंगे, क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई है तो कोर्ट की सुनवाई को भी देख लेते हैं। तो इसी के मद्देनज़र मतलब ये जो है आज से आमरण अनशन नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। एक चीज़ और कहना है आप लोगों से कि आप लोगों का जो अपेक्षित सहयोग वो नहीं मिल पा रहा है, तो सहयोग बहुत ज़रूरी है एलटी ग्रेड, एसएसटी और हिंदी का रिज़ल्ट लेने के लिए। एक बहुत अच्छा दबाव नहीं बन पा रहा है। अगर आप लोग ऐसे घर बैठे रिज़ल्ट चाहते हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। और ऊपर से आप लोगों ने देखा अभी 2016 वाला परीक्षा रद्द हो गई, कोर्ट में सुनवाई बहुत लंबी इस तरीके से चलती रहती, जाँच के अधीन 3 साल तो गुजर गए और पता नहीं कितना टाइम निकल जाता, तो वो एक सही फैसला लिया गया। लेकिन SST और हिंदी इस तरीके से ना हो तो आप लोग बाहर निकलिए, थोड़ा सा दबाव बनाइए कि रिज़ल्ट आ जाए, कोर्ट की बलि ना चढ़े। कोर्ट में तो लगातार ऐसे सुनवाइयाँ चलती रहेंगी, पता नहीं कितनी डेट और मिल जाए। उम्मीद करते हैं काश कुछ अच्छा आज सुनने को मिल जाए कोर्ट की तरफ से भी, जल्दी मैटर फाइनल हो जाए और ये SST और हिंदी का रिज़ल्ट भी आ जाए और पूरी भर्ती अच्छे से सम्पन्न हो जाए। लेकिन एक डर और भी है कि अगर दो विषयों का रिज़ल्ट रुकता है तो क्या उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी जिनका वेरिफिकेशन और रिज़ल्ट वगैरह सब कंप्लीट हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके रिज़ल्ट, उनकी ज्वाइनिंग में भी पेंच पड़ सकता है, उलझ सकती है। तो आप लोग निश्चिंत होकर ना बैठिए। जिन लोगों का रिज़ल्ट आ भी गया, जिनका वेरिफिकेशन हो गया, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता है तब तक उसको कम्प्लीट ना समझिए और सभी लोग मिलकर इस धरने को सफल बनाइए। अगर आप लोग वाकई एलटी के लिए सीरियस हैं, और एक बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको हाथ से ना गवाइए, थोड़ी सी मेहनत की जगहों को एकजुट होकर बाहर आना चाहिए। जैसा कि इसमें लिखा भी है कि 30 सवाल कॉमन पर रुके दो विषयों के रिजल्ट। वैसे तो आरोप लगाया है कि इस तरीके का मामला उलझाया जा रहा है बेवजह, एसटीएफ के पास पेपर आउट होने के कोई साक्ष्य नहीं है। जब 13 विषयों का रिजल्ट आ गया तो फिर ये 2 विषयों का रिजल्ट क्यों रोका गया है। तो मामला 30 सवालों के कॉमन का है, तो फिर जब 13 का आ गया तो फिर ये भी आना चाहिए। तो बेवजह अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है SST और हिंदी के। तो अब मामला क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, और हम लोगों का मतलब एक आयोग पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत अच्छे से आंदोलन करने की ज़रूरत है। और इसमें क्या आज अपडेट दी हुई है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का 17 जनवरी से प्रस्तावित बेमियादी आमरण अनशन टाल दिया गया है। आयोग पर कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन की तैयारी के लिए बृहस्पतिवार को टेंट आदि मंगवाया और पुलिस और जिला प्रशासन के अफसरों ने उन्हें टेंट नहीं लगने दिया। छात्रों को चेतावनी दी गई कि आमरण अनशन किया तो धरने से भी रोक दिया जाएगा। तो इस तरीके की चेतावनी भी दे दी गई। देखिए कितनी परेशानी झेल रहे हैं वो लोग, कितना ठंड में बारिश में वो लोग धरने के लिए डटे हैं, और आप लोग थोड़ा सा सहयोग देने नहीं आ सकते, ये गलत बात है। हालांकि रोज की तरह सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया है, यानी क्रमिक अनशन चलता रहेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर आउट होने के मामले में लाभियों का भविष्य दांव पर लगा है। आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि हाईकोर्ट में केस डायरी पर सुनवाई के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। हाईकोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होनी है, तो आज सुनवाई भी है, देखते हैं क्या मतलब अपडेट मिलती है वहाँ से। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं साथ में कि ये रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए, पूरी भर्ती प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए, ये 2 विषयों के रिज़ल्ट भी आ जाएँ, जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे, कुछ भी पेच ना रहे, अच्छे से मतलब सही सफलतापूर्वक ये भर्ती संपन्न हो सके, पूर्ण हो सके। तो सभी लोग पूरी ताकत झोंक दीजिए एक बार फिर से रिज़ल्ट निकलवाने के लिए। आयोग पर आइए और धरने को सफल बनाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।